उन्होंने पता, उनको पहले पता था कि महादेव देवता के रूप में है, लेकिन एक जो श्लोक है उस श्लोक से उन्होंने समझा कि जब महादेव देवता हैं और देवता गुरु हो सकते हैं तो शिव गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं, और इसी बात से उन्होंने महादेव को अविश्वास में ही गुरु बना लिया। और बाद में देखिए कि आज करोड़ों लोग उस शिव के शिष्य बन गए। महादेव गुरु है, ये बात पहले भी लोगों को पता थी, लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने किसी को बताया नहीं। खुद उनके गुरु के शिष्य बन गए और फिर दूसरे लोगों को अपना शिष्य बनने के लिए बोला। लेकिन यहाँ इस कालखंड में पहली बार हम सबों तक ये सूचना आई कि हम सब लोग महादेव का शिष्य बन सकते हैं। गुरु वो है, ये बात की सूचना थी, लेकिन उनका शिष्य कैसे बना जाए इस बात की सूचना नहीं थी। और इस सूचना इस तरह से आई कि इन्होंने दी कि तीन सूत्र करिए। तीन सूत्र में पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, शिव गुरु को शिव गुरु का शिष्य बनना, दूसरों को शिव गुरु का शिष्य बनाना। और तीसरा शिव गुरु को प्रणाम करना। इन तीन सूत्रों से कोई भी आदमी इस जगत का शिव का शिष्य बन सकता है अगर सही मन से किया जाए। और कोई भी आदमी बन सकता है, जो आज मुझे टॉपिक मिला है बोलने के लिए उस में यही है कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। क्योंकि शिव जो है वो जगत के गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब ही होता है कि इस पूरे संसार का गुरु। अगर एक भी आदमी को अगर वो अपना गुरु नहीं बनाएंगे तो जगत गुरु के उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि फिर जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो उस केवल देश का प्रधानमंत्री कहलाता है, दूसरे देश का नहीं कहलाता है। लेकिन ये हमारे जो गुरु हैं वो पूरे संसार के हैं। तो इसमें हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अपना गुरु बना सकते हैं। खान पान की भी कोई वर्जना नहीं है, किसी को कुछ नहीं, किसी चीज़ की मनाही नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें खान पान की मनाही होती है। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो आपको कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन शिव गुरु का शिष्य बनने के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की, खान पान आप जैसा खाते हैं वैसा खाते रहिए, जो करते हैं वो अपना काम करते रहिए, और जब भी आपको समय मिले शिव गुरु का काम कीजिए। शिव गुरु का जो काम है, जो आदेश है, दूसरा सूत्र की शिव गुरु की चर्चा करिए, दूसरों को शिव शिष्य बनाइए, ऐसा बनाते चलिए। क्योंकि हम सब लोग अपने इस गुरु के बारे में इतना बोलना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जहाँ से आए हैं, ये दुनिया जिसकी है उसके बारे में हमको इतना बोलना पड़ता है। इस बात को हम समझते नहीं है, ये बहुत ही ये अजीब लगता है। जैसे हमें पता नहीं है कि हमारे माँ बाप कौन है, कितनी अजीब बात है। और शिव तो कहा गया है जहाँ से पूरी दुनिया निकलती है, उनकी इच्छा से दुनिया का निर्माण होता है, उनकी इच्छा होती है प्रलय हो जाता है। तो जिसने जिसकी इच्छा से हम लोग आज इस दुनिया में हैं, जिसकी इच्छा से हमारी सांसें चल रही है, जिसकी इच्छा से हमारे दिल की हार्ट पंप होता रहता है, हर एक मिनट में 72 बार पंप होता है और सिकुड़ता है, उसके बारे में हमें इतना बोलना पड़ रहा है आज
उसके बारे में हमें समझ नहीं है, ये बहुत ही अजीब बात है। हम केवल इस जो सामने आंखों से देखते हैं बस उसी को समझते हैं, लेकिन असलियत क्या है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमें सबको बोलना पड़ता है कि नहीं भाई, ये जो सृष्टि है, ये हम कहाँ से आए हैं, ये सब किसी उस परमात्मा का कमाल है, उस गुरु शिव की इच्छा मात्र का परिणाम है। इस बात को हम लोग सब समझे, शिव को अपना गुरु बनाए, ऐसा कहिए जैसे वो, जैसे हम अपने को कहते हैं मेरे पिता हैं, ये मेरा आदमी है, वैसे ही शिव को भी बोलिए कि वो मेरा गुरु है। उसकी थोड़ी तो परवाह कर लीजिए, शिव जो कहते हैं दूसरे से जाओ और शिव चर्चा करो, उसकी बस एक छोटा सा काम तो दिया है, ऐसा तो है नहीं कि ये काम बहुत बहुत भारी काम है। इसमें चर्चा करने में आपको मन भी लगता है बहुत, आप तो गप सब लोग करते हैं, ऐसा है नहीं कि गप के लिए आपको बीए की और एमए की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए ये भी नहीं है कि गप करने के लिए आपको बाबा धाम जाना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं भी रहते हैं वो भी गप कर सकता है अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में, किसी से भी। बहुत ही आसान विधा, और इससे आसान विधा हो नहीं सकती है उस शिव गुरु से जुड़ने के लिए। तो हम सभी ये निश्चित करें कि हम दूसरे को भी शिव गुरु से जोड़ दें। ये सूचना हम लोगों के पास, सबके पास अभी तक नहीं है, कोई बात नहीं, देर से ही आई सूचना, लेकिन एक बहुत ही अच्छी सूचना है कि शिव गुरु हैं, इससे जुड़ा जा सकता है। और इसके लिए साहब ने हम लोगों को 3 सूत्र जो दिए हैं, बहुत ही आसान है, इसको करते रहना है और देखिए कि लाभ क्या मिलता है। वो किसी शिव शिष्य से ही पूछिए कि शिव शिष्य बनने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे हुई है, उनकी ज़िंदगी शिव शिष्य बनने से पहले कैसे थी और उसके बाद क्या परिवर्तन आया है। इस एक ऐसा फल है जिसको खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा फल है, मीठा है या कैसा है। इसलिए जो लोग भी शिव के शिष्य नहीं बने हैं, एक बार बन के देखिए कैसा परिवर्तन आप में आता है। बहुत लोगों ने शिव को अपना शिष्य बनाया है और उन्हीं के कारण आज संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, करोड़ों में पहुंच गई है। आज तक किसी को कुछ फायदा नहीं होता है तो काम करना बंद कर देता है, लेकिन इसमें बहुत फायदा है। आप खुद बने हैं तो आप जानेंगे कितना फायदा है, और इसी क्रम को आप जारी रखिए, शिव गुरु का शिष्य बनाते रहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।